हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 के जो कैंडिडेट्स ज्वाइन कर चुके हैं उनके मेडिकल दोबारा होते हैं। अब मेडिकल होने के बाद में देखिए काफ़ी हमारे साथी जो हैं वो फिट हो गए, लेकिन कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो अनफिट हो गए और उनको घर भेज दिया गया है। ये जो आपको यहाँ पर लिस्ट दिखा रहे हैं इसमें ये कैंडिडेट्स जो हैं ये क्या पॉइंट है इनका, और दूसरी बात हम यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे वीडियो में कि रिक्रूटमेंट मेडिकल गाइडलाइन क्या है, मेडिकल फिटनेस जो होता है वो कितने समय तक वैलिड रहता है, और वैलिडिटी के अंदर ही यदि आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है वैलिडिटी पीरियड में तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, क्या उस दौरान भी आपको अनफिट किया जा सकता है। यहाँ पर जो पॉइंट है वो देखिए, ये फर्स्ट जो कैंडिडेट है इनका ये है वेरिकोज वेन्स ऑन राइट लोअर लेग, वेरिकोज वेन्स ऑन बाइलेटरल लोअर लिम्स ड्यू टू लेफ्ट साइडेड वेरिकोसील, स्पाइनल स्कोलियोसिस ड्यू टू मल्टीपल लाइपोमा। इसमें हेलॉक्स वेलगस का भी पॉइंट है वो हम डिस्कस करेंगे। विटिलिगो पर भी एक कैंडिडेट को अनफिट किया है। अब देखिए यदि विटिलिगो पे अनफिट किया तो ये कैंडिडेट जो है ये फिट कैसे हुए, डीएमई में ये फिट होते हैं तो किस आधार पर ये फिट होते हैं, क्या वहाँ पर मेडिकल अफसर जो है वो इनको चेक नहीं किए हैं, और चेक किए हैं तो उस विटिलिगो के बारे में उन्होंने कोई ना कोई उसमें रिमार्क जरूर किया होगा। जो भी पॉइंट है यदि वाकई पॉइंट उस समय था, देखिए हाइड्रोसिल वेरिकोसिल ये ऐसे पॉइंट है कि ये आप जब मेडिकल करवाते हैं उस समय आपको नहीं है, उसके बाद 2 महीने बाद भी आपको हो जाता है, ये 7 दिन में भी हो जाए, ऐसी प्रॉब्लम होती है। लेकिन विटिलिगो तो 7 दिन में नहीं होने वाला है, विटिलिगो तो 12 महीने में भी नहीं होने वाला पॉइंट है। विटिलिगो तो जो फैलता है बहुत धीरे 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 फैलता है। अब इन कैंडिडेट के जो विटिलिगो के स्पॉट हैं वो भी आपको दिखाते हैं। स्पाइनल स्कोलियोसिस जैसा पॉइंट जो है कि वो स्कोलियोसिस एकदम से ही नहीं होगा, कि जब मेडिकल हुआ था डीएमई हुआ था उस समय फिट थे और अभी 1 साल हो गया उसके बाद वो स्पाइनल स्कोलियोसिस हो गया है। देखिए ये कैंडिडेट फिट हैं, ये किसमें हैं, विजिबल डायलेटेड वेंस वेरिकोज वेन में इनको अनफिट किया था, लेकिन ये फिट हो गए, और ये फिट होने के बाद में ये अभी भर्ती भी हो गए हैं, ये एक्चुअली इनकी ट्रेनिंग हो रही है इनकी। ये कैंडिडेट बिल्कुल फिट हैं, वेरिकोज वेन रीमेडिकल फिट हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाहर भी इन्होंने सिविल डॉक्टर से फिटनेस लिया तो डॉपलर टेस्ट करवा के देखा गया, डॉपलर में नॉर्मल आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हेलॉक्स वर्गस आप इस तरीके से देख सकते हैं कि ये जो इसको ठीक किया जा सकता है, फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो इसको ठीक कर देते हैं, बिल्कुल ये स्ट्रेट हो जाता है ये, और ये इस तरीके से होना चाहिए। अब इसमें हेलॉक्स वल्गस में भी एक कैंडिडेट कन्फिट किया, तो हेलॉक्स वल्गस तो उस समय भी होगा निश्चित रूप से, और हेलॉक्स वल्गस ऐसा नहीं हो सकता कि जो रिक्रूटमेंट मेडिकल अफसर है उन्होंने चेक नहीं किया, उन्होंने निश्चित रूप से इसके बारे में कुछ ना कुछ टिप्पणी जरूर की होगी। ये कैंडिडेट वो नहीं है जो अनफिट हुए हैं, ये पिक मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक्चुअली फिट कैंडिडेट हैं। डीएमई में इनको हेलॉक्स वल्गस का पॉइंट मिला था, री मेडिकल में ये फिट हो जाते हैं, और अभी ये ट्रेनिंग पर हैं, इनका बिल्कुल अच्छे से ट्रेनिंग चल रहा है। ये वेरिकोज वेन में अनफिट कैंडिडेट का एक सर्टिफिकेट है, इनको वेरिकोज वेन में अनफिट कर दिया गया था 5 अक्टूबर 2020 को, इनका जब री मेडिकल हुआ था उससे। ये विटिलिगो देखिए, इन ये विटिलिगो के जो स्पॉट हैं इनको अनफिट किया गया है, बीएसएफ ट्रेनिंग सेंटर से इनको घर जाने के लिए बोल दिया गया है। और देख सकते हैं ये वेरिकोज वेन अनफिट हुआ है, ये आप देख सकते हैं वेरिकोज वेन कितना सा दिखाई देता है, ये विटिलिगो। अब ऐसा नहीं कहते कि ये विटिलिगो ऐसा छोटा छोटा शुरू होता है, ये अभी जैसा यहाँ पे शुरू हुआ है ये धीरे 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 बढ़ेगा। अब इनके जो स्पॉट हैं उससे ऐसा नहीं लगता कि ये इस पिछले 12 महीने के दौरान बढ़ गए, ये आप देख सकते हैं। अब स्किन स्पेशलिस्ट ने इसको विटिलिगो करार दे दिया है तो ये अनफिट है, और इनका देखिए इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं है। विटिलिगो डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में कुछ हमारे साथी जो है वो पेंट लगवा कर फिट हो गए थे, अब इनका हमें नहीं पता है कि ये भी यदि पेंट लगवा कर फिट हुए तो इनको ट्रेनिंग सेंटर में जब ये गए हैं उस समय भी पेंट लगवा के जाना था, लेकिन वो पेंट एक्चुअली क्या होता है कि 40 to 45 days ही वो लास्ट रहता है, उसके बाद वो हल्का होना शुरू हो जाता है। वैलिडिटी ऑफ रिक्रूटमेंट मेडिकल, देखिए मेडिकल गाइडलाइन पेज नंबर 42 पर आप जाते हैं, द फाइंडिंग्स ओपिनियन ऑफ द रिक्रूटमेंट मेडिकल बोर्ड विल बी वैलिड फॉर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ फिटनेस टू ज्वाइनिंग द सर्विस।
इफ़ द कैंडिडेट ज्वाइंस द सर्विस आफ्टर वैलिडिटी पीरियड ऑफ रिक्रूटमेंट मेडिकल ही शी विल बी एग्जामिन्ड बाई यूनिट मेडिकल ऑफिसर फॉर एनी डिजीज डिफॉर्मिटी दैट माइट हैव अराइजन आफ्टर द रिक्रूटमेंट मेडिकल। अब कुछ हमारे साथियों का डाउट है कि वन ईयर मेडिकल वैलिडिटी है तो उसके बाद भी अनफिट क्यों किया गया, तो वो तो वैलिडिटी ख़त्म हो गई। वो कब हुआ था आपका? 20 फरवरी तक आपके मेडिकल सारे हो गए थे, तो 20 फरवरी तक जो मेडिकल हो गए उनका 19 फरवरी 2021 को आपका एक साल हो जाता है। एक साल हो गया तो अब दोबारा मेडिकल पूरा कंप्लीट मेडिकल हुआ। लेकिन अब इसी दौरान क्या होता है दोस्तों कि 16 अप्रैल 2021 को होम मिनिस्ट्री के द्वारा एक लेटर जारी किया जाता है, वो भी आपको दिखा देते हैं। उससे पहले देखिए स्कोलियोसिस, अब मेडिकल गाइडलाइन में ये दिया हुआ है स्कोलियोसिस के बारे में, ये स्कोलियोटिक स्पाइन है, ये इस तरीके से जो मुड़ा हुआ है और ये बिल्कुल नॉर्मल स्पाइन है, तो ये आपको पॉइंट है। तो आप मेडिकल गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आप डिस्कस कीजिए, सिविल डॉक्टर से फिटनेस कीजिए। देखिए वहाँ से आउट कर दिया गया है तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ साथी वहाँ से आउट हो गए, बड़ा हताश और निराश हैं, रास्ता अभी भी आपके पास खुला हुआ है। आप फिटनेस लीजिए, सिविल डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। आपके बोर्ड में क्या ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट थे या नहीं थे उस पर भी डिपेंड करेगा। आपका सारा डायग्नोसिस प्रॉपर सिविल स्पेशलिस्ट से किया गया या नहीं किया गया, वो सब चीज़ें मैटर करेंगी यहाँ। ये देखिए नॉर्मल टॉज हेलोक्स वल्गस, ये हैमर टो, ये इस तरीके से जो टो होता है, और ब्रांकी मेटाटार्सिया। ब्रांकी मेटाटार्सिया एक्चुअली एक ऐसा पॉइंट है जो कई बार हमारे पास भी कैंडिडेट्स आते हैं, उनको हम मना कर देते हैं कि ये जो है इसके साथ आप भर्ती की तैयारी ना करें, इसमें आप फिट नहीं हो सकते। इसको ठीक किया जा सकता है, हैमर टो को भी ठीक किया जा सकता है, एक्सरसाइज से करेक्शन हो जाते हैं। ये लेटर है, ये कब इशू हुआ है? ये 16 अप्रैल 2021 को इशू हुआ है। ये एक्चुअली असम राइफल ने ये पॉइंट रेज किया था कि जो हमारे रिक्रूट हैं उनका एसएससी कांस्टेबल जीडी का ज्वाइनिंग डिले हो रहा है कोरोना की वजह से, कोविड-19 का जो लॉकडाउन पीरियड रहा उसकी वजह से ये भर्ती लेट हो गई। तो ये रिक्रूटमेंट मेडिकल वैलिडिटी जो है वो 2 ईयर किया जाए। असम राइफल ने देखिए यहाँ पर फ्रॉम 1 ईयर टू 2 ईयर्स करने की डिमांड रखी थी, रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंशन ऑफ वैलिडिटी पीरियड, लेकिन उसको स्वीकार किया गया। उसको कब उसको और इसका लेटर भी असम राइफल ने 14 दिसंबर 2020 को ही दे दिया था। देखिए आपके रिजल्ट आने से पहले ही असम राइफल ने ये पॉइंट रेज कर दिया था, असम राइफल के ऑफिसर्स ने, कि ये प्रॉब्लम आएगा क्योंकि जो रिक्रूट आएंगे नए उनका मेडिकल वैलिडिटी खत्म पूरा हो जाता है तो उसके बाद कंप्लीट मेडिकल चेकअप करना होगा, और कंप्लीट मेडिकल चेकअप करने में वही प्रोसेस हो जाएगा जो स्टार्ट जब हुआ था भर्ती उस समय हुआ था। उससे बचने के लिए असम राइफल ने ये लेटर दिया, होम मिनिस्ट्री ने इसको अप्रूवल जो है उसमें थोड़ा समय लग गया, और अप्रूवल जो है वो कितने महीने का होता है? अप्रूवल एक्चुअली होता है 12 महीने से 18 महीने का होता है। अब 18 मंथ्स का मेडिकल वैलिडिटी है तो हमें नहीं लगता कि जो हलोक्स वल्गस जैसे पॉइंट हैं और वेरिकोज वेन स्कोलियोटिक स्पाइन, ये सब ऐसे पॉइंट हैं, ये फिंगर वाले जो पॉइंट हैं, ठीक है किसी को फ्रैक्चर हो गया, उसका सर्जरी हुआ था और वो उसका जो मसल पावर है वो पूरा हो गया है, मतलब कि वीक हो गया है, तो उनका हम मान सकते हैं यहाँ पर। लेकिन जो हलोक्स वल्गस जैसे नॉर्मल पॉइंट हैं उनका वैलिडिटी तो अभी तक चल रहा है, 18 मंथ्स अभी पूरा कहाँ हुआ है। तो जो हमारे साथी आउट हुए हैं वो देखिए ये पॉइंट आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये 18 मंथ्स का जो पॉइंट है इसको आप डिस्कस कीजिए। यदि आपको ये मेडिकल गाइडलाइन आपको चाहिए या ये लेटर भी यदि आपको चाहिए होम मिनिस्ट्री का, तो ये CISF का जो ज्वाइनिंग का जो PDF सर्कुलेट हुआ था सोशल मीडिया पर उसके साथ ही अटैच है ये, बिल्कुल आप में एक व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, बिल्कुल आपको मिल जाएगा। और हताश नहीं होना है, आपके अधिकार अभी बचे हुए हैं, कोई ऐसा नहीं सोचना है कि अब तो मैं अनफिट हो गया तो आगे क्या होगा, आगे दूसरी भर्तियां भी आप देख सकते हैं। विटिलिगो है, उसका आप ट्रीटमेंट लीजिए, वेरिकोज वेंस है, आप एक बार कंसल्ट कीजिए, मेडिकल कॉलेज से कंसल्ट कीजिए, डॉपलर टेस्ट करवा कर देखिए कि क्या वाकई वो वेरिकोज वेंस हैं, और यदि वेरिकोज वेंस नहीं हैं तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको। तो दोस्तों रुकना नहीं, थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।